अस्सलाम वालेकुम। मुए फिरंगी मरीफ पर पहुंच गए और हम लोगों के बेडरूम्स में बात करेंगे पीपिंग टॉम्स की। अगर आप नाबालिग हैं या सेंसिटिव हैं कुछ माशरती बुराइयों के मामले को लेके तो प्लीज इस वीडियो से गुरेज करें। तो बाकी लोगों के लिए यह है कि हम पीपिंग टॉम्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज बेशक शायद काफी सारे लोगों को इस चीज का पता ना हो, लेकिन अनकरीब मुझे लगता है जब पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर होगा तो ये बाकायदा सब्जेक्ट स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि इन लोगों से किस तरीके से महफूज रहा जा सकता है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को जो चंद बड़े खतरात लाहक है, उनमें से एक खतरा इन हजरात की वजह से भी लाहक है। ये लोग होते कौन है? ये असल में जहनी बीमार किस्म के लोग होते हैं, जो जिनको कभी बचपन में शायद तवज्जो नहीं दी होती, माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी होती, जो करते फिरे तो वो करते फिरते हैं, बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं, कभी इधर ताका झाकी, कभी उधर झाका ताका झाकी, माँ बाप के कमरे में, बहन भाई के कमरे में, हर जगह वो वहां पे आंख लगा के देखना ना वलीन फर्ज समझते हैं। ये जहनी बीमार लोग होते हैं। इसकी वजह कोई ब्रेन का ट्यूमर या कोई विजिबल पैथोलॉजी नहीं होती कि किसी के साथ कोई दिमाग पे चोट लगी और उसके बाद उसके अंदर इस तरह के आइडियाज या ख्याल आता है। इसका उमूमन जो होता है ताल्लुक आपके चाइल्डहुड से होता है, कि बचपन में अगर माँ बाप ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि बच्चा किस कंपनी में उठ बैठ रहा है, किस किस्म के टीवी प्रोग्राम्स और शोज देख रहा है, प्री मेच्योर एक्सपोजर टू सेक्शुअल कंटेंट भी इस चीज का एक जरिया बन सकता है, या माँ बाप अपने घर में अपनी प्राइवेसी का ख्याल ना रखें या घर के बाकी लोग अपनी अपनी प्राइवेसी का ख्याल ना रखें, तो बच्चों को जब एक प्री मेच्योर एक्सपोजर कुछ चीजों का हो जाता है तो जाहिर है बच्चा तजस्सुस की आड़ में वो मजीद जानने की कोशिश करता है। तो फिर माँ हो या बाप, गुसलखाना हो या बेडरूम, एक जरा सी आंख लगाई, मंजर देख लिया, इस तरह की हरकत करने से उन्हें क्या मिलता है? एक सुकून मिलता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, कभी कभी तो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन भी मिलता है। यही बच्चे लड़कपन में गली मोहल्लों में किसी का पर्दा खुला रह जाए, वहां पे आंख लगा के बैठ जाते हैं, मॉल्स में और जो क्लोथिंग स्टोर्स होते हैं उसमें अगर कोई ड्रेसिंग रूम में कोई गया हुआ है तो वहां से भी हल्की सी झिरी पे नजर लगाएंगे और वहां पे आंख लगा के बैठ जाएंगे, और फिर उसका वही होगा, उसको बाद घंटों तसव्वुर में उस मंजर को सोच सोच के अपने आप को किसी खास किस्म की तस्कीन देंगे। यही चीज फिर ये लोग लड़कपन और जवानी में भी साथ में अपने कैरी करते हैं, चाहे वो आदमी हो, मर्द हो या औरत हो। खवातीन भी जो है माँ बाप से नजरें बचा के स्कूल कॉलेज से भाग के इवेंचुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की तरफ माइल होती हैं, और फिर वो जवानी की गलतियां वो सब कुछ करके, और जाहिर है जवानी में की गई गलती, जबरदस्ती में की गई शादी, क्योंकि जाहिर औलाद को नाम भी देना होता है, वो सब कुछ इवेंचुअली, जबरदस्ती की शादी ज्यादा नहीं चलती, तो फिर वो जिंदगी का एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो होता है ये फिर अपने साथ अडल्टहुड में भी कैरी करते हैं। और फिर इस फ्रस्ट्रेशन में उस दौर में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है मेडिसिन के लिए, साइंटिफिक प्रोसीजर्स के लिए, हमारे यहाँ ताकत वाली पोजीशंस का इस्तेमाल होता है कैमरे फिट करने के लिए, चाहे वो दवाखाना हो या गुसलखाना। इंसान का घर, खासतौर पे बेडरूम, उसकी एक कंफर्ट जोन होता है, उसकी एक ऐसी सेफ स्पेस होती है जहां वो रिश्ता या समाज में बंधे लोग अल्लाह के कानून के मुताबिक, फितरी जबलत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उस जगह पे उनको वो काम करने की इजाजत होती है जो अगर वो खुलेआम करें तो उनको इस्लामी जबूरिया में कोड़ों की सजा हो। और जहां तक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन का ताल्लुक है, ये जो बेशर्मी के कॉन्फिडेंस का ताल्लुक ना, बेसिकली हर इंसान की तरबियत और माहौल पर डिपेंड करता है। अक्सर लोग जो हरकतें खुले ऐवानों में बैठ के कर लेते हैं वो लोग अपनी तन्हाई में करने से कतराते हैं या घबराते हैं। शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले अपनी तन्हाइयों की ज्यादा हिफाजत करते हैं एज कम्पेयर टू वो बेशर्म लोग या वो खवातीन जो माँ बाप को स्कूल कॉलेज का कहकर कहीं और से पाई जाती हैं या बरामद होती हैं। सबको ये वाली बात पता होती है कि वो इस दुनिया में कैसे आए, हुजरा रूसी के असरार और रमूज से कौन वाकिफ नहीं, और इस फैक्ट से कौन वाकिफ नहीं कि इंसान के जुमला खदुखाल तकरीबन एक दूसरे से मुश्तरक ही होते हैं। तो इन लोगों की बेशक बाकायदा अपनी लीगली वेडेड स्पाउसेस भी हों, लेकिन इनको हमेशा तजस्सुस रहेगा दूसरे के बारे में जानने के लिए। और जब मुल्क मिला कानूनियत का दौर दौरा हो और आपके पास बाकायदा एक पोजीशन हो, तो ये वाले लोग, ये वाले हजरात बाकायदा लोगों को अगवा करके, उनको गिरफ्तार करके, उनको बरना करके, उनके आजा पे, नाजुक आजा पे टॉर्चर करके, उनको तरह तरह की तकलीफ अजियत देके, ये एक और किस्म का किंकी प्लेजर, एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इस तरह से हासिल होती है टॉर्चर के दौरान या कपड़े फाड़ने के दौरान या रेप की धमकी देने के दौरान। बजाय नॉर्मल आदमी, मतलब जिसकी शादी हुई, शादीशुदा इंसान, फैमिली वाला, बाल बच्चों वाला, वो कभी सोच भी नहीं सकता, बल्कि जिनकी शादियां भी नहीं होती वो बहू दूसरे की बहू बेटी को इज्जत की तजीम की नजर से देखेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में वो किंकी प्लेजर वाली थॉट्स होंगी तो आप ना देखेंगे ना मर्द, ना देखेंगे औरत, ना देखेंगे शादीशुदा, ना देखेंगे उम्र। आपने कपड़ा फाड़ना है तो आप कपड़ा फड़वाएंगे, आपने अगर नाजुक आजा पे वजन बांधे हैं, करंट लगाना है तो आप वो करेंगे। मुहज्जब ममालिक और तरक्की याफ्ता कौमों में हर किसी की, इवन अगर आप एक पब्लिक प्लेस में भी जा रहे हो तो आपकी एक पर्सनल स्पेस होती है, उसमें अगर कोई दूसरा इंक्लूड करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजुई हो सकती है। लेकिन वो ममालिक जहाँ पे कानून आपकी जेब में पड़ा हो और आपके पास असर असूख वाली पोजिशन हो, तो वहां पे तो जय माता खुला खाता। इसीलिए अब हम बेडरूमों से गुजर के एक स्टेप आगे पहुंच चुके हैं, अब हम लोगों के टॉयलेट्स और गुसलखानों में भी कैमरे लगाते हैं। और ये इंकशाफ तो अभी हमें रिसेंटली हुआ है कि पहले जहां बंद कमरों, बंद खिड़कियों, ड्राइंग रूम्स में जो थी मुल्क के खिलाफ साजिशें होती थी, कोई स्कीम चलती थी, कॉन्स्पिरेसीज होती थी, अब ये काम जो है वो बाकायदा बाथरूमों में होने लगा है। इसीलिए हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम लोगों के टॉयलेट्स में कैमरा लगाएं,
ताकि वो लोग जो इन फुटेजेस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं वो आराम से बता सकें फलाना बंदे की साजिश 4 दिनों से फंसी हुई है और दूसरे इंसान ने शायद मसालेदार कुछ बिरयानी ज्यादा खा ली थी, इसको तो सुबह से साजिशों पर साजिशें आ रही है, और कहीं तो घनगरज के साथ गोलाबारी भी होती हुई महसूस होगी, तो उसके खिलाफ सख्त किस्म की कानूनी चाराजोई होगी। लेकिन अगर ऐसा ही है और हम अपने मुल्क के राजों के लिए और उसके खिलाफ कंस्पिरेसीज के लिए इतना सेंसिटिव है, तो क्या हसास इदारों में मौजूद तमाम लोगों के सामने, तमाम लोगों के कमरों में या बाथरूम में टॉयलेट्स में कैमरास लगे होते होंगे ताकि हमें पता चले कि वो भी अपना काम सही तरीके से सरंजाम दे रहे हैं, उनको कोई धमकी या कोई अप्रोच, कोई और तो इंसान अप्रोच नहीं कर रहा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सारे ही इस हमाम में सारे ही नंगे हैं एक दूसरे के सामने, इसीलिए अब ये आवाम को भी देखना चाहते हैं, या फिर ये फ्रस्ट्रेशन से भी आगे की कोई लेवल की चीज है? हमने तो हदीस सुनी है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में किसी दूसरे शख्स की पर्दापोशी करता है अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। तो हैरत होती है कि वो मुल्क जहां लोगों के बेडरूम्स हत्ता के वॉशरूम्स में भी घुसकर लोगों का पर्दा पामाल किया जा रहा है, लोगों के घरों में घुस के उनकी इज्जतें तातार की जा रही है, उनका सिला अल्लाह ने क्या रखा हो? आए मिलकर सोचते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।